को मैं मेरी बहन से दूर आया हूँ और बता रहा हूँ कि मेरी बहन है बहुत बदमाश है। उसके पास में बैठ के उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत मारती है वो। मिल्खा सिंह के समय उनकी गाड़ी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आप सब कैसे हो? और आज मैं अभी वर्कआउट के लिए जा रही हूँ और आज भी मेरे भाई की छुट्टी है तो वो भी मेरे साथ चल रहा है, तो चलिए चलते हैं। वैसे मैं केला खा रही हूँ, केला खा के चलते हैं ग्राउंड। पूजा, क्या मैंने तेरे से पहले आके गाड़ी साफ कर दी? चल पूजा। आ गए मामा, आ गए, आ रहे आ रहे। चला ना कार, अब चलानी नहीं आती वरना तो तेरे को। मेरे को चलानी आती है ना? क्या क्या आती है? चलानी मेरे को तो आती है ना। तेरे को झूठी है? मामा ने एक बार चलाई थी ना। ओ भाई साहब, पूछ लेना मामा से। झूठला बोल रहा है तो पूछ लेना। सुबह सुबह झूठ अच्छा नहीं। मैं और मेरी बहन दोनों आ गए ग्राउंड में कार चलाते चलाते। क्या मामूली चलाई झूठ बोल रहा है ये। और आज हम थोड़ा जल्दी आया है क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। बट गर्मी अच्छी होती है। बट आज मामू को कहीं जाना है इसलिए हमको थोड़ा, इसको भी छुट्टी करवाई है, स्कूल की छुट्टी नहीं है, करवाई गई है क्योंकि कई काम है मम्मी और मामू का। हाँ, तो इसलिए मैं लेके आया मेरी बहन। क्या क्या लेके आया? गोरे मामू दिखा, झूठ रहे गोरे है मामू, दिखा दिया ना इसको। हाँ, झूठ बोल रहा था तब से। तो मामू तो मेरे साथ बैठे थे। सुबह आज कितनी बार झूठ बोल गया देखो, गाड़ी चला के लाया, मामू साथ आए नहीं, दो झूठ बोल गया सुबह सुबह। तर बिचारी है अभी। सौरभ कूल डाउन कर रही है। सो गाइस, मेरा हो गया वर्कआउट कंप्लीट, कूल डाउन हो गया, स्ट्रेचिंग बाकी है। बहुत खुशी की बात है। और मैंने 800 की नहीं, 800 की नहीं, 400 की आंट लगाई और भाई बहुत मजे आए। मेरा भाई कैसे भागता है इस ट्रैक्टर में, बताऊं? 10 का काम है दूसरों की नकल उतारना। नकल इसको बहुत अच्छे से उतारना। नहीं, मैं किसी और इंसान का नहीं, बस इस इंसान का रहा, मैं किसी की नकल नहीं उतारता। अरे मेरे को पता नहीं है। क्या पता नहीं, ये पागल है, ये डरपोक है, ये सब है कुछ। पूजा, हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकत किस में? मैं बोलूंगा तो मेरे में, तू कहेगा तेरे से पूछूंगा तो तू खुद में बता देगा। तो मामा जी से पूछते हैं। मामा जी तेरा ही बताएंगे, छोटा है तू, खुश रखेंगे ना। वही ऐसे इंसान से पूछना चाहिए जो ताकत का अंदाजा लगा सके, अंदाजा भी लगा सके और मतलब ऐसे भेदभाव भी ना करे कि नहीं ये मुझसे। तो मामा जी भेदभाव करते हैं? नहीं, ऐसे मामा जी क्या करते हैं कि तू छोटा ना, तेरे को खुश रखने के लिए तेरा ही बताते हैं। ओ, अब तो मामा जी को बोलूंगा। बोल दे। ऐसे हर बार ऐसे मैं है ना इसकी बॉल पे सिक्स मारती थी। ओ, अरे, अरे हम खेलते थे मैच, चुप रहना दो मिनट सुनना बात। हाँ, ठीक है, मैच खेलते थे, मैं सिक्स लगाती थी, एक बार 90, ओए मेरा पकड़ ले। हाँ, मैंने 97 रन बनाए, फिर भी मामू इसका वो सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे नहीं, मैंने 96 का बनाए, 96। अबे सपने में बना गया, ये भूल गया। रात को ही सपना देखा होगा तूने। कोई रात को सपना नहीं, मैं खेल रही थी। ऐसे हम घर में ही खेल रहे थे, ऐसे वो छोटा सा ग्राउंड था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा, तो मतलब पास से बॉलिंग इतनी थी ना, वो नेट है ना। फिर मैंने इसको क्या तोड़ा था, क्या तोड़ा, अरे मैंने इसको पिटाई की थी। हाय छोटू, कैसे है, बढ़िया प्रैक्टिस कर ली? इसे डर गया बच्चा, बता नहीं कौन है, जानता तक नहीं है बात। तो मैं तो उसे पूछ रहा था। कुछ बोला ही नहीं इसे। बोला था ना, हाय किया था, बेइज्जती हो गई, हाय किया था, मेरे भाई की बेइज्जती कर दी इसे, हाय किया था ना। ओए मेरा भाई अभी सो गया, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। ओए लवली, लवली नाटक क्यों कर रहा है, खोल ला के। ओ
देखो देखो नींद आ रही है इसके नाटक देखो भाई। अरे पेरेंट्स है ना अगर कहीं जाते हैं ना तो मतलब उनको पॉसिबल नहीं होता कि बच्चों को बहुत चुप रहे दो मिनट चुप रहे ना ठीक है तो अगर पॉसिबल नहीं होता ना कि वो उसको हमें लेने नहीं आ सकते इसीलिए हमें स्कूल भेजते नहीं है। हमारी स्कूल बहुत पास है अगर मान लो ग्राउंड है मामू कहीं चले गए तो मेरे ग्राउंड रेस्ट हो जाएगा बस थोड़ा भी दूर है यहाँ से थोड़ा ही मतलब 1 किलोमीटर दूर है मैं पैदल भी आ सकती हूँ बट हमारे नहीं मान आने नहीं देते क्योंकि बच्चों का बहुत किडनैपिंग होता है तो अगर हमको कोई लेके चला गया तो भाई हम मेरे को लेके जाए बहुत ताकत अब मारूंगे वाले ओहो कैसे पकड़ के हाँ नहीं ऐसा नहीं होता इसीलिए भाई मतलब बाहर बहुत गाड़ियाँ भी चलती मेरे को तो नहीं पकड़ पाएंगे तेरे को क्या पता पकड़ अगर तेरे को पकड़े ना ये तो वैसे भी क्रिकेटर है इससे तेज नहीं भागा जाता इससे तेज तो मैं भागती हूँ अगर कोई भी ऐसे कोई हाँ मुझे लगता है कि ये क्रिकेटर वो कोई एक जना थोड़ी ना आता है किडने पर हाँ तो तीन आते उठा के तो फिर क्यों क्यों तू ऐसे मेरे को बता रहा है कि हाँ मैं किसी को मारूंगा वैसे करूंगा इसको कुछ नहीं आता समझ सच बोलूँ तो छोटा बच्चा है अभी छोटा बच्चा अभी 7th में आएगा और मैं 8th में आऊंगी पेट में आने से कुछ नहीं बुद्धि में कुछ गया सवाल बहुत कुछ गया ठीक है ना पढ़ाई की मैंने इससे ज्यादा और है ना इसको जो भी डाउट होता ना तो मुझसे पूछता है ये रहने दे क्या रहने दे भाई इसको मैंने है ना एग्जाम थे ना तो मैंने इसकी डाउट सॉल्व किए थे मैंने भाई ऐसे ऐसा नहीं है ये बस सिर्फ 8th में ही पढ़ रहे इसको भेजे मत कुछ गया ही नहीं तेरे को मेरी अकेडमी में चलना जाना है देखना अब इसकी नहीं शिफ्ट हुई है ना वो अकेडमी वो पहले कहीं और थी अब वो ग्लोबल स्कूल के पास और कहीं शिफ्ट हो गई टारगेट वाली तो वो मतलब वो बड़ी है ये कह रहा बड़ी है वो पहले वाली से भी देखना पता नहीं कितनी बड़ी है कैसी है और शाम को 4 बजे मेरी आज माइंड ट्रेनिंग क्लास भी है भाई ताकि इसके भेजे में कुछ जाए मैम कह रही है कि 7 में भाई पढ़ रही है बहुत है बहुत आता है मेरे भेजे में ठीक है ना इसको नहीं आता तो ट्रेनिंग किस लिए करवाते कोई भेजे में कुछ भेजना नहीं होता तो माइंड वो प्रेशर है माइंड ये नहीं दिमाग चुप रहे 1 मिनट चुप रहे ठीक है मतलब माइंड ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमारी जब हम टूर्नामेंट खेलते हैं या फिर जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना तो हम उसको कैसे हैंडल करें हमारे दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं जैसे हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वैसे ही हमारे ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसीलिए माइंड ट्रेनिंग होती है समझा ना तक ला देखते सर पे बाल है क्या सर पे बाल पहले इसकी चोटी थी इसको किसको याद है इसकी चोटी थी और कैसा लगता था अब बताओ मुझे अब देखो एकदम तगड़ा स्मार्ट अब एकदम लंबू लगता कोई कोई मुझे कहते कि चोटी सही थी और अभी इसकी है ना चोटी बनवा दूँ मैंने बोला नहीं नहीं यार हाइट बढ़ेगी वरना इसके वो पूरे छपे हुए थे ना तो हाइट नहीं बढ़ पा रही थी अब मेरे बराबर वो बाहर था इतना सर पे और सुबह सुबह क्या करता था इसकी हिस्ट्री बताती हूँ जब भी इसके बाल थे क्या करता था उठता स्कूल जाने के लिए नहाता था ना तो क्या करता था बालों को ऐसे साबुन से धोता था अब शैम्पू से धोता है पहले साबुन से धोता था साबुन से धो के गीले बाल है ना ऐसे कंघी किए बालों को और सीधा गीले बालों को बांधा कितनी भी सर्दी हो फिर ऊपर टोपी पहन ली और भाई वो बालों में इतनी बदबू आती थी पता नहीं कैसे जीता था ये इसको है ना इतनी नफरत थी इसके बालों से अब ये है ना मैं बताती हूँ अब ये नहाता है ना तो शैम्पू से नहाता है फिर इन बालों को है ना हेयर ड्राइव से सुखाता है फिर वहाँ ऐसे थोड़ी देर तक यूं खड़ता रहता है फिर जाके इसको कहीं सुकून मिलता है कि हाँ मेरे बाल सही है वरना पहले और मेरे मैं तो ये हफ्ते में एक दिन धोती हूँ संडे को जब भी टाइम मिलता है उस टाइम एक 7 दिन में एक बार वो भी मैं इसके बाल नहीं है भैंस के बाल है क्या भैंस के बाल है नहीं अच्छे बाल है मोटे अच्छे बाल है मतलब मेरी मम्मी के ऐसे थे तो मेरे भी ऐसे है ऐसे घने बाल है घने बाल घना जंगल हाँ घने जंगल जैसे घने बाल है मेरे ऐसे कुछ भी नहीं बहुत ऐसे खुजली भी होती है घने बालों में बट मैं टाइम केयर करती हूँ बालों की दिन में 2 या 3 बार कंघी भी करती हूँ मैं इसके बाल में सिर्फ जू है क्या जू है नहीं कुछ भी नहीं है इसलिए मैं इससे दूर रहता हूँ क्योंकि मेरे बालों में अगर इसका एक बाल इधर पड़ गया या फिर इसका अपने बालों पे हाथ लगाओ मेरे इधर आ जाए तो मेरे बाल पूरे गंदे ओहो ये झड़ने लग जाएंगे ये झूठ बोल रहा है इसकी बातों पर विश्वास बिल्कुल मत करना ये झूठ लाए
ये मैट फोल्ड कर रहा है क्योंकि मैं जूते पहन रही हूँ, ठीक है ना, ये नाटक कर रहा है। को मैं मेरी बहन से दूर आया हूँ और बता रहा हूँ कि मेरी बहन है ना बहुत बदमाश है, उसके पास में बैठ के उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत मारती है। लिया इसने जो का क्या क्या इसने चुगली की, बता चल बता क्या चुगली की। अरे मैंने कहा था, मैंने कहा था मेरी बहन बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर मैंने वीडियो सुन ली, अगर तूने मेरी कुछ भी बुराई की ना फिर देख लेना। इसका रोजाना का काम है इधर से फूल तोड़ना, फूल तोड़ना वो भी भगवान के लिए और मेरी माता जी के लिए बालों में लगाने के लिए, एक माता जी के लिए और एक भगवान। कब लगाती है माता जी बालों पे? मैं लगाती हूँ, वीडियो नहीं बनाया तो मैं ये फूल तोड़ के लाई हूँ, तो दो आंटी ने वो भी मेरी प्रशंसा कर दी थी कि वाह कितना सुंदर फूल, कहाँ से तोड़ा? दूसरे मैंने बोला हाँ जल के अंदर से हाथ डाल के भगवान को चढ़ाएगी। हाँ अच्छा वाला भगवान ओए वो प्रेसिडेंट था ना, वो कौन था रे, उसका नाम क्या था, वो मिल्खा सिंह के समय का, उनकी गाड़ी उस समय की गाड़ी है। आ गए फूल लेके घर पे, तो आज का ब्लॉग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारा प्यार, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।